प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी में मेरे प्यारे दोस्तों, संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 9 से लेकर 13 तक हम मनन चिंतन करेंगे। इसमें अगर हम 9 से लेकर 13 तक पढ़ेगा तो हमें मालूम पड़ेगा कि प्रभु हमें एक चेतावनी देते हैं, एक भविष्यवाणी करते हैं प्रभु, मतलब एक क्रिस्तीय व्यक्ति का बुलावा के बारे में। एक क्रिस्तीय व्यक्ति होते हुए भी एक सुखमय जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें नहीं बुलाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 13वां वाक्य में प्रभु यही बोला है कि अगर मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे वैर करेंगे, किंतु जो अंत तक स्थिर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। मतलब मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे वैर करेंगे। एक क्रिस्तीय होते हुए भी हमें मालूम है, हम अगर दुनिया भर देखेगा तो केनिया में 50 लोग मर चुके हैं। कारण क्या है? लोग क्रिस्तीय हैं। अगर भारत में देखो, अलग अलग जगह में क्रिस्तीय व्यक्ति क्रिस्तीय लोगों को मार डालते हैं, मारपीटा करते हैं। उसका कारण एक है, वो लोग क्रिस्तीय नामधारी है। लेकिन क्रिस्तीय होते हुए भी प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर दुख संकटन आते हैं और मारपीटा करते हैं और कोई भी हमें अलग करने दो, लेकिन प्रभु के लिए, प्रभु के नाम के लिए, कलीसिया के लिए धीर रहना, वही हमारा कर्तव्य है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, उसका प्रतिफल बड़ा है। यह धरती में हमारे लिए शायद प्रतिफल नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर्ग राज्य में हमारे लिए प्रतिफल है। इसलिए प्रभु ने बोला है, यह धरती में मेरे नाम पर तुम जो दुख संकट लेते हैं उसके लिए बड़ा प्रतिफल मिल जाएगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए आइए प्रभु जो वचन हमें कहते हैं प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए और प्रभु के नाम पर धैर्य रखकर एक उत्तम क्रिस्तीय व्यक्ति बनने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु हमें आशीर्वाद दे। पिता, पुत्र।